तो कैसे आप सब? चलो आज फिर से एक नया केक बनाते हैं। और आज का जो केक बनाऊंगा तो शायद आप लोगों ने बनाया भी होगा ये वाला केक, और प्लस सिंपल में भी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और वो कौन सा केक है? ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाऊंगा, लेकिन जाली के साथ में। और परफेक्ट जाली कैसे बनाना है, केक पे कैसे यूज़ करना है, चलो आज मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इसका लेयर हम पहले से कम्प्लीट करके साइड में रखे हैं, लेकिन उससे पहले हम चॉकलेट को गर्म कर लेंगे। और चॉकलेट कंपाउंड देख सकते हो मोडे का यूज़ करता हूँ, जो कि बेहतर होता है, लगभग लोग यही यूज़ करता है। तो इसको हम अभी फ़िलहाल सिर्फ गर्म करके रख देंगे जाली, अभी इसका हम बनाएंगे नहीं, ठीक है? अभी इसलिए रख देंगे क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी इसमें गर्मी होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा ना, फिर तुरंत जब हम केक के लिए जाली बनाएंगे ना तो तुरंत का तुरंत सूख जाएगा। इसके वजह से उसको अभी हमें गर्म करके छोड़ दिया, तो कैसा भी थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा जैसे गर्म हो जाता है तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। उसके बाद जब हम जाली बनाएंगे तो परफेक्ट, मतलब एसी वगैरह भी नहीं भी रहेगा ना, तो आराम से सूख जाएगा, बोले तो सेट हो जाएगा अच्छे से इसके वजह से, ठीक है? तो अभी केक को भी अच्छे से फिनिशिंग कर लेना होगा, पूरा स्ट्रेट रखना होगा सीधा, किधर से भी क्रीम ज़्यादा या कम नहीं रखना होगा, क्योंकि जाली में चिपकाना है तो स्ट्रेट मेरा अच्छे से चिपक जाएगा, ठीक है? इसमें इसके वजह से केक फिनिशिंग पूरा कर चुका हूँ, देख सकते हो। इसका मैं जाली बनाने के लिए बटर पेपर का यूज कर रहा हूँ। आपके पास भी अगर जैसे इतना बड़ा नहीं होगा तो, इतना बड़ा मेरे पास भी नहीं है, मैं दो बटर पेपर का यूज कर रहा हूँ। अगर आपको और बड़ा करना होगा तो उसमें साथ में रख लेना, और जब चिपकाओगे तो फिर चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो टेप लगा सकते हो, ठीक है? अगर एक साइज में आपको रखना है तो बटर पेपर को सेम साइज पे होल्ड कर लेना, उसके बाद बीच में आप टेप लगा लेना, उसके बाद एक ही साथ कर सकते हो। लेकिन मैं छोटा छोटा दो लगाया हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं चिपका सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्रीम में कैसे भी तो चिपक ही जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जब चिपकाओगे ना तो आपको चॉकलेट मतलब पूरा सुखाना नहीं है, देख सकते हो, पूरा नॉर्मल रखना है। नॉर्मल है तो कैसा भी कितना भी दबाओगे आराम से आपका चिपक जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जाली आपको अच्छे से चिपका लेना है। इसमें ये देख सकते हो मेरा बराबर सेम आ गया थोड़ा, लेकिन हाँ कट पीस इसमें आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही चिपकाने के बाद में आपको 10-15-20 मिनट आपको फ्रिज में रख देना, तुरंत के तुरंत बटर पेपर नहीं निकालना है, ठीक है? नहीं तो फिर आपका चॉकलेट टूटने लगेगा। और फ्रिज में रख दोगे ना तो फिर कुछ भी नहीं टूटेगा, आराम से निकल जाएगा। और जब पेपर रिमूव करोगे भी, जैसे हटाओगे ना, तो बहुत आराम से हटाना पड़ेगा, ठीक है? इसे झटका देके निकालोगे तो पूरा चॉकलेट टूट जाएगा। और हो सके तो जो चॉकलेट का लाइनिंग में तो थोड़ा पतला दिया हूँ जाली, आप चाहो तो थोड़ा और डाल देना ताकि स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? मोटा रहेगा तो जल्दी टूटेगा, लेकिन मेरे को ऐसा पतला ही लगाना था, इस वजह से इसमें ज्यादा चॉकलेट का यूज नहीं किया हूं, पतला जाली बनाया हूं, देख सकते हो। चॉकलेट तो मेरा अच्छे से इसमें सेट हो गया, देख सकते हो। उसके बाद बेस भी फिनिशिंग कर दिया ताकि देखने को थोड़ा अच्छा लगे। और ऊपर में फिर हमें नोजल लगाना था, जो कि नॉर्मल बॉर्डर नोजल रहता उसी से लगा दिया हूं। और बाकी बीच में हमें चॉकलेट डालना है, लेकिन नॉर्मल चूरा नहीं डालना है, थोड़ा बड़ा बड़ा डालना है। तो आपको स्लैब लेना है और कुछ भी ऐसा राउंड कटर वगैरह ले लेना, उसी से आपको चॉकलेट क्रश कर देना है, ठीक है? उसके बाद में ऊपर लगा देना है अच्छे से। उसके बाद ऊपर आप चाहो तो ब्लैक चॉकलेट या व्हाइट चॉकलेट कुछ भी ऐसा झिकझक डाल सकते ताकि देखने में थोड़ा मतलब अच्छा लगे। और बीच बीच में जो बचा है वहां पे हमें चेरी ऐड करना है, तो हम चेरी ऐड कर देंगे। अगर चेरी आपके पास ना हो तो रेड जेल भी यूज कर सकते हो, अगर कुछ चॉकलेट वगैरह छोटा छोटा है तो वो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से आप कुछ भी वहां पे लगा सकते हो। मेरे पास चेरी था, मैं इसमें चेरी ऐड कर दिया हूं, देख सकते हो। तो बस लगभग ये वाला केक तो इतना ही रहता है, ज्यादा और इसमें कुछ करना नहीं है। बाकी नीचे पे भी बॉर्डर लगा दूंगा, वैसे मैं पहले सोचा नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो अच्छा नहीं दिख रहा था मेरे को, इसलिए मैं फिर नीचे पे बॉर्डर भी लगा दिया हूं, देख सकते हो। और बाकी साइड साइड से थोड़ा बहुत मतलब हमें इसमें चोको चिप्स भी ऐड करने के लिए बोला गया था, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दिया हूं। तो बस इतना ही था ये वाला केक, कैसा बने प्यारा से कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? चलो बाय, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।